हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज की इस वीडियो में हम लोग केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित वह चिड़िया जो कविता के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, इसकी अभ्यास माला को करने का प्रयास करेंगे। यह जो कविता है वह चिड़िया जो, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और लगभग सभी बोर्ड की कक्षा 6वीं में यह कविता पढ़ाई जाती है, तो इस दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखें। तो सर्वप्रथम ये देखिए, पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है कि चिड़िया के पंख हैं, ठीक है, तो इसके अंदर पहला विकल्प देखिए, नीले, पीले, हरे, लाल। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको चिड़िया के पंख का रंग बताना है। तो यदि आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कविता को अच्छे से समझाया है, तो वहां से आप स्पष्ट तौर पर जान पाएंगे कि चिड़िया के पंख का जो रंग है वो नीला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर है वो एक नीले, ठीक है। दूसरा प्रश्न, चिड़िया कैसी है, देखिए इसके चार विकल्प कौन कौन से हैं। पहला मोटी, दूसरा बड़ी, तीसरा छोटी और चौथा काली। तो चिड़िया जो है वो इसमें आप चिड़िया के आकार के बारे में बताना है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो चिड़िया जो है वो छोटी है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो भी वो तीसरा नंबर विकल्प है, ये तीसरा नंबर विकल्प है छोटी, ठीक है। वह नंबर प्रश्न देखते हैं, चिड़िया किसके लिए गाती है। इसका पहला विकल्प आदमी के लिए, दूसरा बच्चों के लिए, तीसरा पशु पक्षियों के लिए और चौथा बूढ़े वन बाबा के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चौथा, बूढ़े वन बाबा के लिए वह अपने मधुर कंठों से जो है वो गीत गाती है, ठीक है। आइए अब इस पाठ से संबंधित हम बोधमूल और प्रश्न देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, वह चिड़िया जो कविता का सारांश लिखिए, ठीक है। सारांश यानी आपको संक्षेप में पूरी कविता के बारे में बतलाना है। तो देखिए उत्तर, इस कविता में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया की विशेषताओं का वर्णन किया है, ठीक है। आपको पता है कि केदारनाथ अग्रवाल जी मुख्य रूप से एक प्रगतिवादी कवि है और उनकी कविताओं में प्रकृति को बहुत बड़ा आधार मिला है, साथ ही साथ सामाजिक वर्णन भी देखने को मिलता है। और उनकी यह कविता जो है वह मुख्य तौर पर प्राकृतिक प्रेम से जुड़ी हुई है और इसके भीतर एक छोटी सी चिड़िया की विशेषता का वर्णन किया गया है। वह छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच से झुंडी के दाने प्रेम से खाती है और उसका स्वभाव कैसा है कि वह दानों को बड़े ही प्रेम के साथ खाती है और उसे खाकर वह क्या रहती है, वह सदा संतुष्ट रहती है, अन्न से प्यार करती है, बूढ़े वन बाबा के लिए मधुर कंठ से गीत गाती है। उस प्यारी चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है, उस प्यारी चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है। वह बढ़ी हुई नदी के जल से मोती निकाल लेती है। वह गर्वीले स्वभाव की है, उसका स्वभाव कैसा है, गर्वीला है और उसे नदी से बहुत ही प्यार है। ये इसके स्वभाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह अन्न को बहुत ही प्रेम से ग्रहण करती है, सदैव संतुष्ट रहती है और वह गर्वीले स्वभाव की भी है और उसे नदियों से बड़ा ही प्रेम है, ठीक है। आइए ख नंबर प्रश्न देखते हैं, चिड़िया कौन कौन से कार्य करती है, यहाँ पे उसके कार्य को बताना है। तो देखिए, चिड़िया अपनी चोंच मारकर झुंडी के दाने खाती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो चिड़िया है वो दाना चुगने के लिए चोंच मारती है, ठीक है, तो उसी का वर्णन है। बूढ़े वन बाबा के लिए गीत गाती है, बड़ी नदी के लिए जल से मोती लाती है, नदी से प्यार करती है। ये उसका स्वभावगत विशेषता है कि वह जो है वो नदियों से भी प्रेम करती है। आइए आगे का पाठ्यक्रम देखते हैं, आगे का जो प्रश्न उत्तर है उसे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो पहला देखिए, यह एक पंक्ति दी गई है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ,
मुझे अन्न से बहुत प्यार है, ठीक है, ये पंक्ति दी गई है और इस पंक्ति को आधार करके, ठीक है, इस पंक्ति के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, इस पद्यांश के कवि कौन है, यह किस शीर्षक से उद्धृत है। तो सबसे पहले आपको कवि का नाम बताना है और फिर कविता का नाम बतलाना है। तो देखिए उत्तर, इस पद्यांश के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। यह कविता वह चिड़िया जो शीर्षक से उद्धृत है, यानी ली गई है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, चिड़िया को किससे प्यार है, उसे संतोषी क्यों कहा गया है। तो देखिए, चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, चिड़िया को संतोषी कहा गया है क्योंकि वह झुंडी के दूध भरे दाने को बड़े शौक से तथा आनंद से खाकर प्रसन्न हो जाती है, इसी से संतुष्ट हो जाती है। तो यह उसके स्वभाव की विशेषता है और इसी कारण उसे संतोषी कहा गया है। यहाँ पर देखिए एक और पंक्ति दी गई है करने के लिए, वह छोटी मुंह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, ठीक है, ये पंक्ति है और इस पंक्ति को आधार करके इस पंक्ति पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं, चिड़िया को मुंह बोली क्यों कहा गया है। तो देखिए, चिड़िया सभी को बहुत प्यार करती है, वह मधुर बोलती है तथा मधुर गीत गाती है, इसलिए चिड़िया को मुंह बोली कहा गया है, क्योंकि उसका स्वर बहुत ही मीठा है और वह मधुर गीत गाती है, इसलिए चिड़िया को मुंह बोली कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यह देखिए, विजन का क्या अर्थ है, चिड़िया को विजन से क्यों प्रेम है। सर, विजन का अर्थ एकांत प्रदेश से है, चिड़िया को विजन से प्रेम है क्योंकि एकांत में चिड़िया निडर होकर विचरती है, यानी घूम सकती है, एकांत प्रदेश में घूम सकती है, उस पर आक्रमण होने का कोई भी भय नहीं है और वहां पर क्या करती है, तथा गीत गाती है, वहां बूढ़े वन बाबा के लिए वह मधुर कंठ से गीत गाती है। तो इसी कारण उसे विजन प्रदेश यानी एकांत प्रदेश, जहां आक्रमण का कोई भय ना हो, आराम से वह भोजन ग्रहण कर सके, गीत गा सके, घूम सके, तो वैसा क्षेत्र उसे बहुत ज्यादा प्रिय है, और वैसे ही क्षेत्र को विजन क्षेत्र कहा गया है, तो एकांत प्रदेश हो। आइए अब हम भाषा बोध देखते हैं, जिसमें सर्वप्रथम कहा गया है पर्यायवाची शब्द करने के लिए। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे चिड़िया, नदी, मोती, दूध, वन। चिड़िया का देखिए खग, विहग, पक्षी। नदी का सरिता, सरी, तटनी। मोती का मुक्ता, मोक्तिक, सिपेज। ये थोड़ा अलग शब्द है, इससे पहले आप लोगों ने चिड़िया और नदी का तो पढ़ा ही होगा, लेकिन मोती पहली बार आ रहा है, तो ये एक नया तरीके का पर्यायवाची शब्द है, इसे ध्यान रखेंगे। मुक्ता, मोक्तिक, सिपेज। बाद है दूध, दूध का दुग्ध, क्षीर, पय, गोरस। वन का कानन, जंगल, विपिन। के बाद हम लोग देखते हैं वन नंबर, देखिए एक शब्द है चिड़ी, चिड़ी में या जोड़कर चिड़िया शब्द बना, ठीक है, इसी प्रकार कुछ और शब्द लिखो, यानी कि ऐसे शब्द लिखो जिससे में या जोड़कर नया शब्द बन जाए। तो देखिए, जैसे चिड़ी में या जोड़ा गया तो चिड़िया, जड़ी में या जोड़ा गया तो जड़िया, इसी तरीके से डाकिया, धुनिया, ऐसे बहुत सारे तमाम शब्द बन सकते हैं। यहाँ पर केवल कुछ शब्दों का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये पाठ जो है वो समाप्त होता है। ध्यान रखिएगा, वह चिड़िया जो की दो वीडियो है, पहले वीडियो के भीतर जो है उसके सारांश को बतलाया गया है एवं दूसरे वीडियो में यह प्रश्न उत्तर बतलाया गया है। तो आप कविता को बेहतर ढंग से समझने के लिए दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ आशा है आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।